हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं इनिशियली तो व्लॉग नहीं करने वाली थी, बट मैं अभी दूध गर्म कर रही थी। एंड यूजुअली ना मम्मी जी ही दूध गर्म करती हैं, मैं बहुत रेयरली दूध गर्म करती हूँ। तो मुझे ना एक चीज़ आप लोगों को डिस्कस करनी थी, आप लोगों को उसे बतानी थी दूध गर्म करने के बारे में। तो मैंने सोचा चलो कुछ नहीं होता, आज व्लॉग कर लेता, इवनिंग व्लॉग करते। वैसे भी जब भी मैं व्लॉग करती हूँ तो इस टाइम का व्लॉग जनरली नहीं करती, क्योंकि मैं तब तक थक चुकी होती हूँ। बट आज मेरी थकान थोड़ी कम है, क्योंकि आज आर्यवीर घर पे नहीं है, वह घर में बहुत शांति है, चिल्लम चिल्ली भी नहीं हो रही और मैं उसको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। वो कहाँ गया है, क्या हुआ है, वो अभी बताती हूँ आप लोगों को। फिलहाल से पहले बताती हूँ ये जो दूध वाली बात है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब होता क्या है, जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो हम यहाँ से एक छोटा सा लाइक कोना काट लेते हैं एंड फिर दूध को पतीले में डालते हैं, राइट। बट ये जो आप कोना काटते हैं छोटा सा, ये जो कोना है ये फिशेज टर्टल्स बहुत इजीली खा लेते हैं और उनके बॉडी में वो जाके अटक जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो जो मुझे आप लोगों को बतानी थी बात, वो ये थी कि जब भी दूध खोलें तो ऐसा कट सा मार लो ताकि छोटा टाइनी पीस ऑफ प्लास्टिक अलग नहीं हो, पूरा पैकेट ही बड़ा रहे। क्योंकि पूरा पैकेट निकालना एंड पूरा पैकेट मुझे नहीं पता ये रिसाइकलेबल है या नहीं, बट पूरा पैकेट अलग रखना इज मच मोर सिंपलर देन टाइनी पीसेस ऑफ प्लास्टिक। तो वो जाके हमारे ओशंस को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। तो ये मुझे आप लोगों से बात बतानी थी कि जब भी पैकेट खोलो तो चाकू लेके ऐसा कट बना लो ताकि दूध तो निकल पाए बट ये पीस अलग ना हो मेन पैकेट से। दूध रख दिया मैंने गर्म करने, अब अपनी कॉफ़ी बनाऊंगी। आज ठंड हो रही है प्रॉपर, लाइक मैंने 3 लेयर्स पहनी हुई है, और ये तो लाइक ऐसी टी शर्ट है बट अंदर मैंने थर्मल पहना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, दिस इज़ फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह, लोग की लाइक हर साल तो थर्मल्स नहीं पहन खरीदना होता है ना, साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो मैंने उस सेंस में खरीद लिए एंड बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं। सुबह से मैं सिर्फ थर्मल और एक लाइक पतली सी समर्स की टी शर्ट पहन के ही घूम रही थी। अब लाइक शाम हो गया तो थोड़ी ठंड बढ़ गई है, तो इसलिए थोड़ा सा एक स्वेटर डाली है। तो थर्मल बहुत ज़्यादा वार्म है। एनी वेज, मैंने सोचा आप लोगों को मैं स्टोरी बताऊँ, फर्स्ट टाइम जब मैंने दूध उबाला था उसकी। क्या हुआ था, जब फर्स्ट टाइम ना मुझे तो हमारे घर में हमेशा से दादी वो आती थी, रुको मम्मी कॉफ़ी बनाते रहते थे साथ साथ में, वरना टाइम चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमारे घर में ना हमेशा से दादी दूध उबालती थी, क्योंकि दादी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि दूध कैसे उबालना है ताकि मलाई अच्छे से निकले, क्योंकि घी हमारा घर में ही बनता है, बनता था, अब उतना नहीं बनता है। तो दादी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी दूध मलाई घी दही सबके बारे में, सो वही उबालती थी दूध। तो एक दिन क्या हुआ, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी या कुछ, और उस टाइम मम्मी जी वर्किंग थी तो वो ऑफिस गई हुई थी। तो दादी ने मुझे बोला कि रोली तुम आज दूध उबाल दो। लाइक वाह, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, लाइक बड़ी बहू वाली फील आ रही है, दूध उबालो जाओ, बड़ी बहू कहे कि बहू इस घर में, बट लाइक यू नो फील आती है कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत अच्छे से दूध उबालूंगी, मैं बेस्ट दूध उबालूंगी, जिसने जो किसी ने भी इतना अच्छा दूध नहीं उबाला होगा उससे भी बेटर दूध उबालूंगी। फिलहाल अपनी कॉफ़ी में दूध डालती हूँ, उसके आगे बताती हूँ। फिर कॉफ़ी में दूध डाल लिया, एक मिनट माइक्रोवेव में रख, 2 मिनट के लिए। तो फिर दूध उबल रहा, चेक रखना कि दूध उबलना, ठीक है। मैं आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ रही हूँ। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है, मैं ना बहुत अच्छे से दूध उबालूंगी, बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी किसी को। तो मैंने बर्तन अच्छे से धोया, वो धुला हुआ था बट मैंने फिर से धोया, लेकिन फिर से धोऊंगी मैं। फिर उसको अच्छे से सुखाया, फिर उसको गैस पे रखा ताकि जरा सा भी कोई पानी हो ना, लाइक गंदा नल का पानी, वो दूध के बर्तन में ना रह जाए। तो मैंने दूध का बर्तन गरम कर लिया और उसके बाद उसमें दूध डाला। तो जो लोग दूध उबालते हैं उनको पता ही चल गया होगा अभी तक कि क्या हुआ, पूरा दूध जल गया, क्योंकि मैंने बिल्कुल गरम बर्तन में दूध डाला था। तो जब सबसे पहली बार लाइफ में मैंने दूध उबाला था तो मेरे साथ ये हुआ था। फिर हाँ, गिवन दैट फैक्ट, उसके बाद मुझे दूध उबालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी मिली नहीं है सच, बट अब उबाल लेते हैं, अब मैं ध्यान रखती हूँ। अब मुझे ध्यान रहता है कि लाइक गैस बाद में ऑन करनी है, पहले दूध डालना है एंड पानी से एक बार निकाल के थोड़ा सा लाइक वेट होना चाहिए। तो हाँ, मुझे लगता नहीं था लाइक दूध उबालना इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, बट जिसने कभी किया ना हो उसके लिए है। अरे ओह मम्मा, आपकी बिप तो लाई नहीं, इसके हम कह रहे थे निकने नहीं रखने, कितने बन चुके हैं इसके, इसके तो बहुत सारे निकने हैं। इचानो मांगो, इचानो चुटकू, इचान, इचान्स, इचान्स बोलता है तो वो इचान्स। मम्मा आपकी बिब नहीं लाई, बिब लेके आ रही हूँ।
संभालना इसको। ये वाली पहन स्लीव्स वाली नहीं मिलती, स्लीव्स खराब हो जाएगी। न्यू स्वेटर पहना है इसने आज। डिनर करके सो जाए, ठीक है? जल्दी सो जाना प्लीज। नम, अभी बजते हैं 7:00। 7:00 इज शानवी का डिनर टाइम। शानवी भी सोच रही कि जब भैया होता तब तो पास्ता वास्ता खाने को मिलता है, और जब भैया नहीं है तो मुझे खिचड़ी खिला रही है मम्मा। तो नॉर्मली तो हम बेबी लाइट वीनिंग ही करते हैं, विच इज कि ईशानवी अपने आप खाती है, अभी हाथ मार के ले लेगी स्पून मेरे से। बट कभी कभी वंस इन अ वाइल जब लाइक मुझे ज्यादा गन साफ करने का मन नहीं कर रहा होता, या मुझे जल्दी होती है कि यार बस खाना खा के खत्म करो, तब मैं हाथ से खिला लेती हूँ। जो टेक्निकली बेबी लाइट वीनिंग में आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर बच्चा चाहेगा हर बार कि आप उसे खिलाओ। ईशानवी के साथ मुझे अगेन उतना डर नहीं है, क्योंकि ए इसको ऑलरेडी खाना काफ़ी पसंद है, एंड ये बहुत लाइक मांग मांग के भी खाती है कभी कभी, एंड अपने हाथ से बहुत ईजिली खा लेती है फ्रॉम डे वन। एंड दूसरी बात ये, क्योंकि ये सेकेंड चाइल्ड है, तो आर्यवीर को देखा देखी उसकी कॉपी करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इजीली अपने आप खा लेती है, जो जनरली सेकंड बच्चों के साथ होता ही है कि वो लाइक अपने बड़े भाई बहन को यू नो कॉपी करना चाहते हैं नॉल। हाँ जी, तो उतना इसका वो नहीं है मुझे कि लाइक इसको स्पून की आदत पड़ जाएगी समथिंग, बट हाँ आर्यवीर के साथ मैं थोड़ा कॉन्शियस रही थी इस बात का कि वो अपने आप ही खाए, मैं उसको नहीं खिलाऊँ। एंड एज ए रिजल्ट अच्छा ही रहा है हमारे साथ, मुझे कभी उसको खिलाना नहीं पड़ा, कभी दिक्कत नहीं आई। जब उसे भूख लगती है वो बता देता है एंड अपने आप आराम से खा लेता है। हाँ जी, ये क्या मिल गया धागा, ये कहाँ से आया? हाँ जी गुड़िया, दादा इसमें से आया धागा। अच्छा दादा, हाँ धागा हो जाता है कभी कभी नए कपड़ों में ना, कभी कभी होता है, होना तो नहीं चाहिए था शानवी, तो वॉश्ड है, हो जाता है, इट्स ओके। खिचड़ी बहुत पसंद है, खिचड़ी नॉर्मल कोर्स में बनती नहीं है, क्योंकि आर्यवीर उतना चावल नहीं पसंद करता खाना, तो कम ही बनाती हूँ मैं। एंड दोनों बच्चों का एक ही खाना बनाती हूँ, दोनों का अलग अलग क्या बनाऊँ। तो मुझे काइंड ऑफ रिसेंटली समझ में आया कि शानवी को खिचड़ी अच्छी लगती है। देखो अपने आप खाने पे आ गए, मेरे से इसने स्पून ले ली मांग के। आर्यवीर के बगैर ना घर ऐसे शांत सा हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि या तो वो शोर मचा रहा होता है या उसकी एलेक्सा चल रही होती है, तो वो कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में चल ही रहा होता है शोर। अभी बिल्कुल लाइक ऐसे शांति हो रही है घर में। चलो
चलो डांस ही करो। वहां जाओ ना डांस ही। ये कौन सा सॉन्ग है? फोन नहीं छीनना। सोने जा रहे हो आप? बाय बाय, जा सो जा। हाँ पापा को बाय कर दो, वो इम्पोर्टेंट है। चलो चले सोने। नहीं आई तो तभी देखो, शायद सोएगी, देख लेते हो। हाय गाइस, अब नेक्स्ट डे सुबह हो गई है। कल क्या हुआ था, ईशानवी आपने देखा था गई थी सोने, बट वो बार बार उठे जा रही थी, तो मुझे उसके साथ ही लेटना पड़ा एंड इवेंचुअली उसके साथ ही सोना पड़ा। वरना फिर वो उठती ही जाती और सोती नहीं। प्लस बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो मन ही नहीं कर रहा था रजाई से निकलने का। अभी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ गोभी के पराठे और आपको बताती हूँ कि आर्य भी कहाँ है। तो हम लोग का जब कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया तो 3-4 दिन हो गए थे उस बात को, व्लॉग बाद में आया ऑब्वियसली। तो आर्य भी मैंने अपने घर फोन मिलाया अपना बताने के लिए कि नेगेटिव हो गया ये वो। तो आर्य भी जो है दिवाली से काफ़ी पहले से ऑलमोस्ट लाइक दीवा लॉक जब स्टार्ट हुआ था मेरा दशहरा के आसपास, तब से बोल रहा था कि उसको नानी हाउस जाना है। तो मैंने उसको कहा था अभी दिवाली के बाद जाएंगे क्योंकि मम्मा का वर्क शेड्यूल बहुत बिजी है और प्लस फेस्टिवल्स है बहुत सारे, तो ऑब्वियसली लाइक घर पे रहना चाहिए, ऐसे नहीं जा सकते। तो उसने कहा था ठीक है मम्मा। फिर दिवाली वाले दिन ही हमारा पॉजिटिव आया था टेस्ट, तो फिर नहीं जा पाए। महीना भर हो गया ऑलमोस्ट नहीं गए और वो बेचारा, उसको बहुत मन करा था नानी हाउस जाने का। तो कल जब जब उस कल नहीं सॉरी जिस दिन मम्मा से बात हुई थी कि हम लोग का कोविड नेगेटिव टेस्ट आ गया, तो आर्यवीर का तो हम यही बोल रहे थे ना कि जब नेगेटिव आएगा तब चलेंगे। तो जब आर्यवीर का जब फ़ोन किया बताने के लिए कि नेगेटिव आ गया, तो फिर आर्यवीर कहता कि मैं जा रहा हूँ नानी हाउस। कब क्या, एक मिनट क्या? कहता नहीं मुझे जाना है नानी हाउस। अब क्या हुआ है कि टेस्ट रिजल्ट तो नेगेटिव आ गए हैं बट अभी हेल्थ स्पेशली बड़े लोगों की बैक टू नॉर्मल कम्प्लीटली नहीं आई है, थोड़े से रिप्रकॉशंस हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो घर में सबकी तबीयत तो नहीं ठीक है एंड ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली मैं लाइक यहाँ पे सबको छोड़ के अपने मायके थोड़ी ना जा सकती हूँ, मुझे घर भी देखना होता है। तो मैंने उसको समझाया कि मैं नहीं जा पाऊँगी बेटा, अभी पॉसिबल नहीं है, हम चलेंगे, प्रॉमिस चलेंगे, सबकी तबीयत ठीक होने दो पूरा। तो कहते मम्मा मैं अकेले चला जाऊंगा। तो मैंने कहा आप अकेले चले जाओगे? मुझे लगा नहीं था वो हाँ बोलेगा, क्योंकि लाइक मैंने पहले जब भी उससे पूछा है ना कि अगर आपको अकेले नानी हाउस जाना है तो आप जा सकते हो, तो उसने मना कर दिया था, कहता नहीं मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। तो अभी मैंने ऐसे ही पूछा कि चलो आप अकेले जाना है आपको, तो कहता हाँ मैं अकेले चला जाऊंगा। लाइक ओके। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं डिस्कस करके बताती हूँ। वो रोए जाए जब तक हमने डिस्कस किया, देखा पॉसिबल है नहीं है, फीजिबल है या नहीं है। तो एक घंटा वो बेचारा लगातार बस रोया ही है, मुझसे कहता है मम्मा आप समझ नहीं सकते हो मैं नानी नानू को कितना मिस कर रहा हूँ। लाइक वो मेरे मम्मा पापा है, मुझे पता है कितना मिस कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा कर रही होगी पर बेचारा बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो फिर उसको नानी हाउस छोड़ के आए। तो मतलब ये अच्छी बात है, सबके नेगेटिव टेस्ट है, घर फ्यूमिगेट कर लिया था तो हम कोई वायरस आगे स्प्रेड नहीं कर सकते। अभी टेस्ट रिजल्ट आए थे तो लाइक इतनी जल्दी वापस री इन्फेक्ट तो नहीं होंगे ना। तो हाँ ये हुआ। तो आने भी गया हुआ है नानी हाउस फॉर 2 डेज। इनफैक्ट आज जिस दिन मैं मॉर्निंग में ये बना रही हूँ, आज उसको वापस आना है। मुझे सुबह अभी फ़ोन किया था मैंने वीडियो पे, तो कहता मम्मा मैं 1 डे और रुक जाऊँ। मैंने कहा बेटा स्कूल है, अब वहाँ पे स्कूल नहीं करा रही मैं, लाइक नानी हाउस गया है, चलो कुछ नहीं होता, 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। बट 2 दिन से ज़्यादा स्कूल ना कराऊँ डजंट मेक सेंस ना। पीछे एक बार और छूटा था क्योंकि वही ना सबकी हेल्थ वेल्थ ऐसी चल रही है, तो बीच में स्कूल छूटे हैं। तो मैंने कहा नहीं 2 दिन से ज़्यादा नहीं, अभी बाद में चले जाना। तो आरे भी भांग गया हुआ, और जब भी वीडियो कॉल कराओ तो ईशानवी और आरे भी दोनों थे प्यार से भैया भैया ईशानवी ऐसे चिल्लाते हैं।
और वहाँ पे मेरे भैया की भैया भाभी की छोटी बेटी भी है जिज्ञासा, तो वो बता रहे हैं सब कि जिज्ञासा बस अरेवीर को ही देखे जा रही है क्योंकि उसके लिए तो वो अर्ली 2020 में बॉर्न हुई थी जब लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले, तो वो भी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकली है ना उसने किसी को देखा है ज़्यादा, तो वो भी बड़ी फैसिनेटेड है कि लाइक एज इन मेरे लाइक छोटा कोई पर्सन है यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि सब क्या अरेवीर को देखे जा रही है टका टक चलो मैं जाती हूँ आज की गोभी बनाने, तो इस वजह से मैं नहीं गोभी बनाने गोभी का पराठा बनाने, मेरा ना अभी बहुत सारा काम है दिमाग पे तो दिमाग ठीक से चल नहीं रहा, तो अब थोड़े ना ब्लॉग्स ऐसे ही आएंगे चिल्ड आउट छोटे छोटे, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, फुल ऑफ फन एंड एडवेंचर थोड़े टाइम में भी ना आए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, तो इस वजह से भाई मैं नहीं गई मम्मी के घर बाकी देखो जब सब ठीक हो जाएगा तब जाऊंगी यार एक बार, बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, प्लस अभी लाइक टेस्ट कराए हैं, अभी इन्फेक्शन हुआ है, री इन्फेक्शन नहीं होगा, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा सेफ्टी नेट है कि हाँ अभी जा सकती हूँ, कोविड से हाँ ये फ़ायदा हुआ है कि हमने अपनी हाउस हेल्प वापस बुला लिया, कम से कम बर्तन में थोड़ी हेल्प मिल रही है, पार्ट टाइम ही है वो तो थोड़ा रिस्क तो है बट पर अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं कर सकते सब कुछ हैंडल एक साथ, तो हाँ उसको भी तभी बुलाया था जब लाइक टेस्ट नेगेटिव आ गए, तो उससे पहले नहीं, ऑब्वियसली उससे पहले नहीं, जब टेस्ट सबके नेगेटिव आ गए उसके बाद ही उसको बुलाया एंड फ्यूमिगेट कर लिया था पूरा घर, एंड फिर भी वो मास्क उसको बोला हुआ कि आप मास्क लगा के रखो, नॉट जस्ट द फैक्ट कि वो इन्फेक्शन ला सकती है बट किसी भी लाइक जस्ट इन केस चांस है ना कि हम नहीं कर सकते तो वो मास्क लगा के ही रखती है। चलो मैं जाती हूँ अपने गोभी के पराठे बनाती हूँ एंड आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।